हे गाइस, गुड आफ्टरनून करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, टाइम हो चुका तकरीबन 3:45 के आसपास का और अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मार्केट जाना है मुझे काम थोड़ा सा, और डॉली के भी साथ में निकलना है। हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेते हैं क्या नहीं लेते। मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ और साथ आपको दुकान पर भेज दिया है। अगर कोई कस्टमर आएगा तो कॉल कर देगा। वो बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस आए हैं मार्केट में। भैया तुम्हें अच्छा लग रहा है डॉली? झूमर का अच्छा लग रहा है। कैसे करते हैं हमें बताना, हम झूमर का लेके बाद में निकाल देंगे। टांगा काट दे, लॉक से हटा दो बेटा उनका। हाँ ये काट दे क्योंकि मेरे पास एक और है ना। रश देख ले डॉली कितना होगा। कहाँ पर है ये? रहा पैर में। अच्छी लग रही है ये ले। गोल्डन साइज नहीं मिला ना? नहीं अभी ढूंढ रहे भैया। तेरा साइज नहीं मिला भाई, गोल्डन वाले। ये पिंक वाली भी अच्छी लग रही है बाबू। पिंक भी अच्छी लग रही है। हाँ ये बेस्ट और वो लाइट गोल्डन है। मैं कह रही हूँ पिंक भी अच्छी लग रही है। फिर गोल्डन में ले ले। शॉपिंग नहीं करती, शॉपिंग देखती है। अभी आई है, अब इसके सिस्टर ने सामान लेना था, कहती मेरे को कुछ नहीं लेना। आते ही भैया मेरे को मार्केट में आने के बाद इंसान फिर बोल के नहीं आना चाहिए ना। छोटा सा कछुआ ये। अगर मैं ड्राई फ्रूट ले लेता हूँ साथ वाली शॉप से, आ जा देखने। तो आ जा देख लो। मैं चले पास में ही है क्या? जी ड्राई फ्रूट मैंने पैक करवा दिए सारे के सारे। ठीक है ना, ये वाले। और क्या लेना है? और क्या लेना है मार्केट से? और क्या क्या लेना है? अब दिमाग सोचे बेटर है, एकदम बढ़िया वाला है। हाँ जी सब। चलिए डब्बे निकाल दे दो। हाँ जी चले, देख ले दुकान सही है ना। अभी तो सारा सामान होना है। ये मैट नीचे बैठा हुआ है, अभी करना है। इधर की रह गई है। चले रे प्यारे से दिए हैं भाई साहब, बहुत सारे दिए हैं। और अच्छा है, अच्छी है ना दिए। ऑरेंज लेना है, पर्पल लेना है, कौन सा कलर लेना है? तेरे को ये लेना है डॉली, तेरे को कौन सा चाहिए? प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना डॉली। ये देख सारे फ्लोटिंग वाले, बहुत सुंदर है। सारे फ्लोटिंग वाले ये भी है देख। झाड़ू देख कितने सारे आ गए धनतेरस पे। झाड़ू झाड़ू आ गए बहुत सारे। झाड़ू ले लेना एक प्लेट धनतेरस पे। क्या कह रही है? रश भी काफी हो गया है यहाँ पे ना, बर्तन वाली शॉप पे भी रश है। नाम से दस दुकान कितनी है? होलसेल मार्केट, होलसेल शॉप है सारा। ये देखो दुकान देख लो भैया, लोकेशन आपकी और बाहर की लोकेशन ही आपकी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। मेरा सामान उन्हें पैक कर देना, मैं आ रहा पाँच। सामान बहुत सारे ले लिए, गिफ्ट बहुत सारे ले लिए। इतना छोटा लेके रखा है, इस्तेमाल ही नहीं किया क्या? अब गोलगप्पे खाने हैं। अब भूख लग रही है। हमारे पास सामान नहीं है, पैसे तो मैंने छोड़ दिया था मार्केट में। मैंने कहा सामान सुमान तुम ले लो भैया, मेरे को इतना कस्टमर आ गया था। मैं शॉप पे और साथ का कॉल आ गया था, पापा कोई आया हुआ है। मैं आ गया था शॉप पे, कस्टमर अटेंड किया, बैठ गया। अब वो मार्केट में है, अभी बस आएंगे अभी, उसके बाद मैं उनको घर छोड़ दूँगा और फिर यहाँ अपने आप चले जाएंगे। थोड़ा सा और भी सामान लेना है, वैसे एक चीज़ रह गई थी लेने के लिए मार्केट में। वाकई यार बहुत रश है भैया। आज तो क्या सैटरडे है, कल और भी ज़्यादा रश होने वाला है। कल है संडे, और संडे वाले दिन क्या मज़ेदार रश होगा। इसलिए जो चीज़ें चाहिए थी मैंने ले लिया है, बाकी कल मैं निकलूँगा नहीं मार्केट के बाहर भैया। अब निकलेंगे मंडे को सीधा, क्योंकि मंडे कम रश होगा और दिवाली का अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है। पंडित जी से पूछ के आया हूँ मैं, वो कह रहे हैं जी 1 तारीख की दिवाली है। बाकी देखो भाई, कोई अपने शॉप के पास खाने आ गए हैं। छोटा वाला मैं इसलिए मैं पानी होते हैं भाई, एक पुदीना फिर मीठा पानी, जीरा पुदीना तीन। डॉली और कविता तो भैया चले गए हैं घर पे। मैंने कहा भैया अपने अभी चले जाओ, बहुत रश है मार्केट के अंदर। अभी बर्तन वाले के पास भैया के पास गया था, सामान सामान लिया था, कुछ निकाल रहे हैं अभी, थोड़ी देर में निकालेंगे। गिफ्ट वगैरह हैं भैया, देखो आपको पता दिवाली है, चीज़ें तो खरीदनी है। मैंने कहा डॉली भाई तू अपने आप ही वापस चले जा घर पे, ठीक है ना। और मैं अभी छोड़ने आ नहीं सकता क्योंकि दुकान पे कस्टमर भी है। बस अब चाय पीने, 4 बजे की चाय आई है, 6 बजे गया पी रहा हूँ चाय। काकू का भी फ़ोन आ गया कि कहाँ पर हो। मैं भैया काकू के पहुँचने से पहले पहले पहुँच जाऊँ, अगर अब काकू को समझा दिया वैसे, ठीक है। और अब चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। डॉली को भी बड़े प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले हैं, नवनीत जी मिले थे, और थैंक यू सो मच आप हमारे ब्लॉग। दुकान के बाहर खड़ा हुआ ये देखो, ये है आवाकाडो है। ये देख ये पेयर भी है ऑस्ट्रेलियन वाले, एवोकाडो जाकर लेते हैं यार। एवोकाडो साथ में कह रहा था अभी, इसके बाद 4-5 ही बचे हुए हैं। जूम देखो कितना किया हुआ मैंने इसको, सही है एवोकाडो, बढ़िया है। तो गाइस बड़े ही प्यारे से सब्सक्राइबर आए थे हरिनगर से हमारे पास, और कुछ कपड़े वगैरह स्टिच करने दिए हुए हैं। मैं नाम
उनका दीदी आए थे, दीदी का नाम पूछना भूल गया। और बस अभी पंडित जी से भी मैं पूछ कर आया था, वो एक तरीक की दिवाली कह रहे हैं, एक तरीक की दिवाली है। बाकी देखो अब आगे क्या होता है। भैया बैडमिंटन का मैच चल रहा है इनका। उफा क्या कर रहे हो, तू कहाँ घूम रहा है रात को? इसको साइकिल चला रहा है तेरे पापा गोलगप्पे खा रहे थे 830 पे। हाँ अभी मैंने देखा, अभी तो देखा मैंने, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। तो गाइस हमें बड़े प्यारे से सब्सक्राइबर मिले थे डॉली को, सिलेक्टर में मिले थे। कहते भैया कहाँ मेरे ड्राई फ्रूट ले रहे थे, और कहते अच्छा भाभी आपने ब्लॉग बनाना थोड़ा सा लंबे लंबे मतलब बड़े वाले ब्लॉग बनाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। मैडम जी देखो बड़े बहुत अच्छे है। हमने मेरी सिस्टर को ले थी पजामी चुन्नी वाला ले थी, वहाँ पे मिले थे हमको। नाम बता दो। नवनीत जी मिली थी, तो वो बहुत देखो बहुत प्यार करते है, तभी तो कहीं भी कोई मिल जाता है, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े प्यार से बातें करते हैं। नहीं जी थैंक यू सो मच। और थैंक यू जी दिल से। बाहर खेल रहा था काकू, रात को खाना खा के बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं ना। हाँ। तो सारे हन्नी दीपांशु सब मिलके खेलते रहते ना आपस में। अच्छा। आपने बताया था नानी के घर गली है, तो रात तो फिर वो इकट्ठे हो जाते चौराहे पे, सब खेलते रहते हो रात को दिन में। कब पहुंचे थे तुम? हम टाइम से आ गए थे। मैं जाम था यार, मैं तो मैंने स्कूटी वापस की थी। था वापस चले जाओ, अपने चले जाएंगे, इतनी थोड़ी देर दूर है कि आने पाएंगे। स्कूटी वापस की और वहाँ से उसके आगे जाम में फंस गया। हमने आज वो दूसरी वाली रिक्शे में बैठ के आए थे। कौन से? वो चार वाले में नहीं, जो दो नहीं बैठते थे। अच्छा अच्छा, पहले ऊंची वाली उसमें बैठे थे। चलाते यार उनका ऐसे ही, तो वो सारे रिक्शे भरे सामान खाली पड़ा था। सामान ले आया सारा, जो जो जरूरत था वो ले आए। अभी तो बहुत सारी जरूरत है, वो तो थोड़ा बहुत जो जरूरत की थी वो ले आए ना भाई, बाकी तो लेके तुम्हारे साथ जाके लेके आना पड़ेगा। अब दिए वगैरह का एक दिन दिए की लिस्ट बना लें, दिए वगैरह जो अच्छी से चाहिए उसके बाद दिवाली के लिए दिए फूल बतासे और मोमबत्तियां, वो चीज मोमबत्ती थोड़ा ज्यादा ले आना ठीक है। बाकी आगे चल के भी जलानी पड़ती है ना, भी दिमाग में निकल जाता है। बाकी और भी सामान सामान जो लेके आना वो मेरे को बता दियो। अब कल तो मैं निकलूंगा, कल मत बोलियो, बिल्कुल भी मत बोलियो। संडे का दिन है। हाँ बहुत रश होगा मार्केट के अंदर। दिवाली अगर शुक्रवार की है तो फिर भी हमारे दो तीन दिन, एक तरीके में सामने वीरवार की है तो फिर 31 की है तो फिर वीरवार। फ्राइडे को मैं पूछ के आया था, वो कह रहे फ्राइडे को है। ठीक है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, अगर चार दिन पड़े हैं दिवाली पर, अगर एक नहीं मंडे को चलेंगे, फ्रंटियर चलेंगे मंडे को, फ्रंटियर चलेंगे क्योंकि दो अगर दिवाली से दो दिन पहले जाएंगे तो सब खत्म हो जाता फ्रंटियर से। जब तेरे को याद नहीं रोहिणी से मैं आता था, मैं हफ्ता पहले ले लेता था सारा, और फ्रंटियर से एक और चार दिन पहले जाओ ना बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल सन्नाटा। घंटा घर के पास भी तो है हरिनगर, आज हमारे सब्सक्राइबर भी आए थे हरिनगर से आए थे। वेब कैमरे का कह रहे थे, कह रहे घंटा घर के पास, मैं कहा फ्रंटियर कहते हैं पता है हमें, आप देखते हैं वहाँ रिजोरी गार्डन वाला तिलक नगर वाला, कॉल करके पूछ लेना अगर वो मंगवाने से ले आएंगे और भी अच्छी बात। नहीं नहीं जाके ले आएंगे, वो चार दो चीजें और पसंद आ जाती हैं भाई। कल मंडे को चलेंगे दोपहर को फ्रंटियर, वो रजौरी गार्डन वाला वो खाली होता है, वो अंदर करके है ना वो खाली होता है। ओके बाकी जो घर का थोड़ा बहुत सामान है वो भी ले आएंगे। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। और ये मैडम जी ना आज तिलक नगर साथ में गई थी मेरी, ना मैंने इसको पर्स लेने दिया ना इसको मैंने मोबाइल लेने दिया, और पैसे भी एक बार मेरी पर्स कट गया कि पर्स ही गायब हो गई थी। तो पर्स क्या हुआ था, बैग था, बैग के अंदर एक पर्स रखा हुआ था मतलब जिसमें पैसे बैग थे, बैग में कट मारा था और पर्स निकाल दिया था, बाकी सारा सामान दिवाली पड़ा था। इसी टाइम हुई थी ना, इसी टाइम हुए थे काकू के चक्कर में। क्यों काकू को ध्यान रखने के चक्कर में, इसलिए कभी क्या काकू ट्यूशन गया, मैं आज चली तो गई पर लेके कुछ भी नहीं गई थी, पता है पर्स साथ में ही है तो क्या ले। पर्स साथ में है, पर्स साथ में है, पेटीएम साथ में है, ठीक है तभी करके मैंने पैसे थे इसको दे दिए थे। मैंने कहा भैया तू रख ले थोड़ा सा ट्राउजर में रख ले अपने इसमें, क्योंकि मार्केट में इतना के साथ जो पजामा थे उनमें भी आजकल जेब होता है, मार्केट में इतना रश है ना गाइस। आप हाँ, आप तो भी अगर जाना संभल कर जाना मोबाइल, क्योंकि अभी कल ही मोबाइल का हमारे मतलब मेरी शॉप है, मेरी शॉप से आगे जाके चौराहा है, वहां पर रश था बहुत ज्यादा। कल एक आंटी का प्रो 16 प्रो लिया था नया, भाई साहब बात कर रहे थे 16 प्रो किसी ने निकाल लिया बैग में से, पर्स में से निकाल लिया। अरे चोरों को पता होता है भैया कि ट्रिक होती है, वो ले लेते हैं। हम देखो सारे सोनिया भाभी में कविता सारे जने थे ना, जब गए मेरे पास चोरी पुलिस में कंप्लेंट लिखा हुआ कोई फायदा नहीं है ना, हमने पुलिस में लिखवाई थी, पुलिस वाले कुछ नहीं वो मिलती नहीं है चीजें। तो गाइस इसीलिए भैया और
तेरा ध्यान रखना भैया, मार्केट जाओगे तो इसके साथ हम करेंगे। मैं मार्केट वैसे भी रश में जाती नहीं हूँ, जबरदस्ती अब नहीं जाना, अब नहीं जाना, अब कोई काम ही नहीं है। वो जो सामान लाना है शॉप से लेना, बस सारा सामान आ चुका है वैसे, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी सामान रहता है वो खुद ही ले आना, लिस्ट बता दूंगी ले आना, मैं नहीं जा रही बस, ठीक है, एक बार घूमे मार्केट बहुत है। तो गाइस जिसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय।